प्यारे मित्रों, आज बहुत ही खुशी इस बात की है कि आज हम सेंट्रल पार्क जयपुर में योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह राव के साथ हैं। डॉक्टर राव महेंद्र सिंह जी बहुत ही बिजी योग गुरु हैं, लेकिन आज टाइम निकाल के भारद्वाज फाउंडेशन के फ्रेंड्स को कुछ टिप्स देने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह राव, डेली अगर ईटीवी राजस्थान आप देखेंगे तो सुबह 6:25 पे योग मंत्र के नाम से आपका डेली प्रोग्राम डॉक्टर साहब का टीवी पे पिछले काफ़ी महीनों से लगातार आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है, ऋतिक रोशन के साथ कुछ एड्स भी किए हैं। एक हिमालय सिंह मूवी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है जिसकी शूटिंग जयपुर में हुई थी। इसके अलावा राजस्थान गौरव और विवेकानंद गौरव जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित जो अवार्ड्स हैं वो भी डॉक्टर साहब को मिले हुए हैं। सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर पिछले 9 सालों से आप यहाँ इसी स्थान पर सुबह योग की क्लास आप लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को भारद्वाज फाउंडेशन के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, भारद्वाज फाउंडेशन की स्थापना हमने 24 दिसंबर को की और इसका जो एम है वो है कि यंगस्टर्स को स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड लेटेस्ट टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में हम यंगस्टर्स को जानकारी दें, उनकी नॉलेज बढ़ाएं। और हमारा सपना है, मेरा स्पेशली एक सपना है, भारद्वाज फाउंडेशन का सपना है कि भारत सुपर पावर बने। इसके बारे में कई बार ये अनाउंस भी हो चुका है कि भारत सुपर पावर बनेगा। अब भारत सुपर पावर बनेगा वो यंगस्टर्स की वजह से ही बनेगा, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, जर्मन के चांसलर हो, सभी लोगों ने हमारे युवाओं का लोहा माना है, इनमें अथाह एनर्जी है। अब इस एनर्जी को करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज करना है और मेरा पक्का विश्वास है कि आप जैसे सीनियर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मंच है जिसमें युवा भी हैं और साथ में अनुभवी साथी भी हैं, तो उन दोनों का जब तालमेल बिठवाएंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन कराएंगे और उनसे जो युवा हमारे हैं वो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और भारतवर्ष जो है वो वाकई मजबूत बनेगा और सुपर पावर बनेगा। डॉक्टर साहब, ये संक्षिप्त में मैंने परिचय दिया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप जो मैंने मिशन बताया भारद्वाज फाउंडेशन के लिए बताया, उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप बोल दें। और साथ में आप क्योंकि बहुत यंग बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस फाउंडेशन की हर खबर को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो एक डिटेल प्रोग्राम तो आपका रखना ही है। हम लोग लगी हैं आप जैसे योग गुरु के संपर्क में हैं, लेकिन आज आप भारद्वाज फाउंडेशन के बारे में बोलने के बाद कुछ बच्चों को आप क्या टिप्स देते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये इन सब ने सुना हुआ है, तो उसके हिसाब से हेल्थ अगर सही नहीं हुई तो ये आगे अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, भारत को सुपर पावर नहीं बना पाएंगे, तो आप अपनी टिप्स भी दें डॉक्टर साहब। एंड थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आए उसके लिए। मैं पिछले कई सालों से श्री पीएम भारद्वाज साहब को जानता हूँ, 2-3 बार मैंने इनके साथ कैंप भी किया है। आपने जब कोटा में थे आप सीएमपी, तभी आपने 1-2 बार कैंप लगाए मेरे, और जयपुर में भी आपने कई इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह या स्ट्रेस मैनेजमेंट के और मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं पीएम भारद्वाज साहब। बहुत अच्छा लगा और ये जानकर तो और भी अच्छा लगा कि इन्होंने एक फाउंडेशन अभी भारद्वाज फाउंडेशन के नाम से खोला है, तो इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो बहुत अच्छा ही करे। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आजकल के युवाओं को इन्होंने इस फाउंडेशन के साथ जोड़ा है, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवा आज के जो युवा हैं कल के सार्थक परिणाम लाने वाले हैं। तो मैं सबसे अच्छा बढ़िया मैसेज बच्चों के लिए देना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य उस देश के बच्चों में निहित होता है जिस देश के बच्चे संस्कारवान होंगे, ऊर्जावान होंगे और स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ व्यक्ति ही एक अपने देश को सच्चा दिव्यता और उच्चता प्रदान कर सकता है। और ये दिव्यता और उच्चता आती कहाँ से है? योग और प्राणायाम के अभ्यास से। तो हम नियमित योग और प्राणायाम के अभ्यास से अपने मन में, अपने विचारों में दिव्यता ला सकते हैं और उच्चता ला सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण इसके माध्यम से होता है। तो मैं आजकल के नौजवानों को यही संदेश देना चाहूँगा
कि वे नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, मेडिटेशन का अभ्यास करते रहें, जिससे उनके विचारों में उच्चता लानी होगी। प्यारे बच्चों, देखिए, दूसरों की सफलता देखने मात्र से कुछ नहीं होता। इसके लिए केवल अपने आप सार्थक परिणाम लाने की कोशिश करें, अपने अंदर ऐसा जज्बा जगाएं, ऐसा देशभक्ति का जज्बा जगाएं कि दूसरों की सफलता देखने मात्र से कुछ नहीं होता। केवल अपने आप को सार्थक बनाने के लिए नियमित रूप से इस ओर प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें। डॉक्टर साहब, आजकल फॉरेन कंट्रीज जो मैंने देखा है, वो भी मेडिटेशन को भारतीय योग विद्या जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप जैसे संक्षिप्त में अगर ये बताएं कि बच्चे काफ़ी इनके ऊपर मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस भी रहता है और समय की भी बहुत कमी है, इनके सिलेबस बहुत बड़े हैं, कैरिकुलम बहुत लंबे चौड़े कैरिकुलम है, तो कैसे ये कम समय में कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और कुछ आपकी छोटी छोटी टिप्स हों। वैसे तो आपके प्रोग्राम भी बड़े प्रोग्राम करवाने हैं इनको लाभ देने के लिए, लेकिन अभी अगर संक्षिप्त में अगर आप थोड़ा बताएं तो काफ़ी साथी आपका इंटरव्यू देखेंगे तो उनको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। देखिए, मैंने जयपुर ही नहीं, जयपुर के बाहर भी कई जगह अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम अभी मैं चला रहा हूँ और बहुत ही सार्थक परिणाम उनके आ रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो उनमें गुस्से की प्रवृत्ति है, पहले से काफ़ी कम हो गई है, उनके विचारों में दिव्यता और उच्चता आने लगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा सभी धर्मों में निर्विवाद रूप से कहा गया है। 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। जब हमें जन्म मिल ही गया है तो इसे स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जब तक हम इस जीवन को, इस काया को, इस देह को स्वस्थ नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक इस जीवन की सार्थकता पूरी नहीं होगी। और कहा भी गया है कि एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें अपने आप को निरोगमय रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग और प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह बात तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी सभी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में फैली अशांति और प्रतिस्पर्धा के वातावरण को देखते हुए योग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। और इन सबको मैं नटशेल में बता दूं, दो लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि मनुज जन्म हमको मिला सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखें निरोग, हरदम रखें निरोग। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। रामायण में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि मिलना बहुत ही कठिन है और देवताओं को भी ये योनि नहीं मिलती। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और जो फल गिरा जमीन पे तो लगे न बारंबार। एक बार अगर फल नीचे गिर गया तो दोबारा उसको चाहे हम स्टेपल से लगाना चाहें, चाहे टेप से जोड़ना चाहें, चाहे धागे से, वो दोबारा पेड़ से जुड़ नहीं पाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। लास्ट में बस एक चीज़ और, जैसे ये एग्जामिनेशन की बच्चे तैयारी करते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में इनको काफ़ी अपीयर होने के पहले बहुत स्ट्रेस भी रहता है, तो छोटी कोई, अभी आपके आने के पहले ये मेरे से बात भी कर रहे थे कि साहब कुछ छोटी छोटी ऐसी कुछ विधि हों कि गर्म पानी पी लें या कुछ, जिससे कि छोटे छोटे रोग दूर हो जाए। और अभी अगर वैद्य में नहीं आप बताना चाहें तो मैं इनको आपकी परमिशन से मोबाइल नंबर भी आपका दूंगा और इनसे कहूंगा कि एक बार प्रोग्राम भी रखेंगे और मोबाइल पर ये पहले भारद्वाज फाउंडेशन बोल के फिर आपसे अपना परिचय देंगे। तो आप डॉक्टर साहब एग्री हैं इस चीज़ के लिए कि देखिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं बच्चों के लिए और बहुत अच्छे छोटे छोटे कैप्सूल मैंने बच्चों के लिए बना रखे हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य रिलेटेड है और बच्चों को उन्नत बनाने के लिए है। लेकिन वो थोड़ा सा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब मेरे सामने प्रैक्टिकली बच्चे होंगे, वो ज़्यादा आई थिंक इट इज़ मोर कम्फर्टेबल। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जल्दी आप आए इसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और जल्दी आपका एक बड़ा प्रोग्राम हम बच्चों के साथ रखेंगे। प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा डॉक्टर साहब को देख के ही लगता है कि वाकई योग गुरु हैं। जिस तरह इनकी एज है 35 ईयर्स या जो भी एज है, किस तरह से स्लिम इन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार एक प्रोग्राम में अपने जो भी एक्टिव कोऑर्डिनेटर्स हैं, भारद्वाज फाउंडेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे बात करके एक जल्दी आपके लिए प्रोग्राम रखूँगा, क्योंकि बिगर सेहत के साथियों कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का महत्व समझ के, और अपन लोग भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े योग गुरु हमारे साथ हैं और इन्होंने वचन दिया है कि भारद्वाज फाउंडेशन को पूरा सहयोग देंगे, और पहले भी मैं इनका सहयोग कोटा में भी ले जाके मैंने इनसे सहयोग लिया है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक प्रोग्राम जल्दी ही एक बार फिर आपको फंस देंगे और एक बड़ा प्रोग्राम बच्चों के लिए हम जल्दी ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।